हरे कृष्णा गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सबके सब बढ़िया होंगे। सो दिस वीडियो गोइंग टू बी अनदर स्ट्रेटजी वीडियो। इन दिस वीडियो आई विल शेयर माय सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी फॉर माय बोर्ड्स एग्जाम, आल्सो कि मैंने अगस्त का क्या प्लान बनाया है, कि सब्जेक्ट में क्या सिलेबस कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। बिकॉज जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने अपना अगस्त से प्लान रिलेटेड चीज़ें शेयर करी थी कि मैंने अपना अगस्त का प्लान वगैरह बना लिया है। तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि हमसे भी शेयर करो, दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑल्सो जो मैंने एक PA1 की रिजल्ट की वीडियो डाली थी उसमें भी काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे कि आपने केमिस्ट्री बायो के लिए कैसे प्रिपेयर करा, फिजिक्स के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, हर सब्जेक्ट के लिए। सो वो सब बताओ, दैट्स व्हाई मैंने ये सब्जेक्ट स्ट्रेटजी वीडियो बनाने का सोचा। जो लोग चैनल पर नहीं है, मैं पहले का अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज अनुराग, आई एम CBSE 12th ग्रेडर, ऑल्सो NEET 2025 एस्पिरेंट। एंड इस चैनल पर मैं अपनी लाइफ रूटीन, व्लॉग्स एंड अपने स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट अपलोड करता हूँ। सो यू गाइज कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच रिलेटेबल कॉन्टेंट। अब देखो यार, ऐसा तो है नहीं कि हम केवल बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ऑल्सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर कॉलेज एग्जाम्स, लाइक जो कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम हम देंगे, कोई नीट देगा तो कोई CUET देगा, कोई JEE देगा, सब अलग अलग एग्जाम देंगे। ऐसा नहीं है कि हम केवल बोर्ड्स एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। सो हमें अच्छे से पढ़ना होगा बोर्ड्स में। अब हमारा मेन फोकस केवल बोर्ड नहीं है, उसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम्स भी है। सो हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, प्रॉपर शेड्यूल के साथ पढ़ना चाहिए, है ना। अभी भी देरी नहीं हुई, जिन्होंने शुरू नहीं करा है वो अभी भी शुरू कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम है। सो इस वीडियो में मैं पर सब्जेक्ट वाइज आप लोगों से बताऊंगा। ऑल्सो मेरा इस मंथ में, लाइक अभी PA1 खत्म हुए थे, इस मंथ में 26 अगस्त को मेरा ऑल इन वन एग्जाम भी है। सो उसके लिए मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ वो भी मैं शेयर करूंगा। नेक्स्ट मंथ से मेरे हाफ ईयरली शुरू हो जाएंगे, सो ऑफ कोर्स मुझे आधा सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है अगस्त में, बिकॉज सितंबर के मे बी फर्स्ट वीक से मेरे हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने के कंप्लीट चांसेस हैं। वो 40 या 35 नंबर के नहीं होंगे, वो 70 या 80 ही मार्क्स के होंगे। सो यार, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में। शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री जी से। तो केमिस्ट्री के देखो तीन पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मैंने अभी तक टच भी नहीं करी है, बिकॉज वो मैंने भी शुरू ही नहीं करी है। मैं सोच रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ऑर्गेनिक कंप्लीट करने के बाद ही मैं इनऑर्गेनिक शुरू करूँ, और देखते हैं कैसे क्या होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की। सो देखो, लास्ट ईयर अगर मैं कंपेयर करूँ इस साल से, क्लास 11th में मेरी फिजिकल केमिस्ट्री तबाह थी, एक नंबर की, बिल्कुल वाहियात थी मेरी फिजिकल केमिस्ट्री। बट इस ईयर मेरी काफ़ी अच्छी हो गई, बिकॉज इस साल से मैंने NCERT का बिल्कुल जो लाइक छोड़ा ही नहीं, मैंने NCERT को इग्नोर ही नहीं करा। NCERT पहले दिन से मैंने पढ़ी है, तीनों चैप्टर की मैंने NCERT रीडिंग ली है फिजिकल केमिस्ट्री में। हर एग्जाम्पल सोल्व करें, NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन सोल्व करें। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सोल्व करें। उस टाइम पे मैं विद्यापीठ जाता था, तो विद्यापीठ में जो सर ने टिक करवाए थे ना क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज के जो हैं NCERT में, केवल मैंने वही करे थे। बट हाँ, इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल मैंने सारे करे हैं। सो आप लोग भी प्लीज NCERT का करो फिजिकल केमिस्ट्री का, बिकॉज वो क्वेश्चन थोड़े से है ना कंफ्यूजिंग भी और थोड़े लेंथी भी है। अगर वो हो जाते हैं ना, तो आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन सीरियसली बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई फिजिकल केमिस्ट्री के जब मैंने मॉड्यूल सोल्व करा। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक से भी ट्राई करे हैं क्वेश्चन। ऑल्सो मैं चैप्टर को टाटा बाय बाय कैसे करता हूँ वो मैं बता देता हूँ। लाइक चैप्टर 1 अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 की तरफ मुझे जाना है। तो चैप्टर 1 के डिटेल नोट्स मैंने खोल ली एक साइड, और डिटेल नोट्स 10-12 पेजेस के हो रखे हैं। सो मैं डिटेल नोट्स को खोल के अपने आप ही को समझाता हूँ, और रफ नोटबुक में लिखता हूँ उन चीज़ों को। सो जो वो 10-12 पेजेस है ना, वो 1-2 पेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं जब मैं अपने आप को समझा रहा होता हूँ। तो वही मेरे शॉर्ट नोट्स है, तो मैं वो रिवाइज करता हूँ जब मैं लाइक टेस्ट वगैरह से पहले, एग्जाम वगैरह से पहले। और जब वो ऐसे जब मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद इस टाइप से जब मैं नोट्स बना लूँ, डिटेल नोट्स में से अपने शॉर्ट नोट्स बना लूँ इस टाइप से, जब मैं चैप्टर 2 को जंप करता हूँ। सो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने इसी तरीके से कंप्लीट करी है। एट द एंड मेनली मैं यही बोलूंगा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, NCERT बहुत अच्छी चीज़ है, NCERT मैंने अपनाई है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ओके गाइस, सो आफ्टर फिजिकल केमिस्ट्री बात आती है इनऑर्गेनिक की। सो देखो, इनऑर्गेनिक अभी मैंने शुरू नहीं करी है। इनऑर्गेनिक मैं सोच रहा हूँ लक्ष्य 1.0C ही कर लूँ। देखो, अगर जो मेरे एग्जाम जो मैंने टेस्ट सीरीज बाय कर रखी है उसमें अगर इनऑर्गेनिक वो हाफ ईयरली में नहीं डालते हैं, सो ऑब्वियसली मैं नहीं करूँगा लक्ष्य, मतलब यूट्यूब से। अदरवाइज अगर हाफ ईयरली में आ जाती है और लक्ष्य 1.0 में इनऑर्गेनिक जब शुरू ही नहीं होती है, तो मुझे यूट्यूब से ही करनी पड़ेगी, जैसे ऑर्गेनिक पर मैं यूट्यूब से ही कर रहा हूँ। अदरवाइज मैंने यही सोचा था कि मैं सारी वहीं से करूँगा, बट वहाँ पर लाइक सिलेबस पीछे चल रहा है और एग्जाम में मेरा ज़्यादा आ जाता है जो PA1 होते हैं या ऑल इन वन एग्जाम है, या फिर जो हाफ ईयरली एग्जाम होंगे उसमें ऑर्गेनिक में ज़्यादा सिलेबस आएगा एंड इतने लक्ष्य 1.0 में नहीं होगा। तो मैं इसे यूट्यूब से कर रहा हूँ ऑर्गेनिक को। ऑर्गेनिक में अभी मेरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, वही मैंने इसमें NCERT करी है। शॉर्ट नोट्स मैंने नहीं बनाए, NCERT पढ़ी है, डिटेल नोट्स बनाए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने इसके करे क्वेश्चन बैंक से बस, और NCERT के क्वेश्चन लगाए। मॉड्यूल अभी मैंने इसका टच नहीं करा है। मैं सोच रहा हूँ 3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मॉड्यूल पे लाऊंगा। एंड रही बात चैप्टर 2 की, सो चैप्टर 2 मेरा 60% कंप्लीट हो चुका है। एंड टारगेट मेरा ये है अगस्त तक कि अगस्त में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं पूरे 3 चैप्टर कंप्लीट कर दूँ। अगर 3 चैप्टर कंप्लीट नहीं होते हैं तो थर्ड जो चैप्टर है वो कम से कम हाफ चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूँ थर्ड चैप्टर, बिकॉज और भी सब्जेक्ट है भाई, इतना नहीं हो पाएगा एकदम से, है ना। एंड अब जंप करते हैं फिजिक्स पर। सो फिजिक्स मैं कंप्लीट कर रहा हूँ यूट्यूब से, और फिजिक्स में मेरे चैप्टर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो चुके हैं।
हैं इन डिटेल। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने बहुत कर लिया, हर चीज़ कर लिया। चैप्टर 5 मेरा करंटली में चल रहा है, कंप्लीट ही होने वाला है। और टारगेट मेरा ये है कि मैं अगस्त के अंदर चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ये तीनों चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूँ फिजिक्स से, बिकॉज फिजिक्स का सिलेबस एज कम्पेयर टू ऑल सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा है। सो फिजिक्स के मेरा टारगेट है कि मैं अगस्त में पूरे 7 चैप्टर कंप्लीट कर लूँ फिजिक्स के, बिकॉज मुझे लग रहा है हाफ ईयरली में 10 चैप्टर तो वो डाल ही रहे होंगे। दैट्स व्हाई मेरा थोड़ा टारगेट है फटाफट फिजिक्स को कंप्लीट करूँ। सो अभी मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं फिजिक्स को कैसे पढ़ रहा हूँ। सो देखो, फिजिक्स के अंदर शॉर्ट नोट्स मैंने पहले 3 चैप्टर के बनाए हैं और डिटेल नोट्स ऑब्वियसली सारे चैप्टर्स के बना रहा हूँ। तो पहले 3 चैप्टर के हो गए हैं। सो अभी जैसे ही चैप्टर 5 मेरा पूरा हो जाता है तो इकट्ठे बना लूंगा चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के शॉर्ट नोट्स। क्वेश्चन बैंक से भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ इतने ज़्यादा फिजिक्स के, बट हाँ जो एग्जाम्पल्स वगैरह वो मैं सारे कर रहा हूँ, वो तो मैं किसी भी सब्जेक्ट में नहीं छोड़ रहा हूँ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हो, एनटेक्स क्वेश्चन हो। इसके मैं एमसीक्यू की ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिजिक्स के, जो कि मॉड्यूल से लगा रहा हूँ जो मेरे पास लक्ष्य के मॉड्यूल्स हैं। अब जंप करते हैं बायोलॉजी पे। सो बॉटनी जूलॉजी अलग अलग मैं बता देता हूँ। बॉटनी के अंदर मेरा सिलेबस हो रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मॉलिकुलर वाला, प्रिंसिपल वाला, ये 3 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो रखे हैं। अगस्त में मैंने सोचा कि केवल मैं एक ही चैप्टर करूँ बॉटनी के अंदर, विच इज़ माइक्रोब वाला। अगर लक्ष्य में शुरू हो जाता है तो मैं लक्ष्य से कर लूँगा, अदरवाइज यूट्यूब जिंदाबाद। एंड रही बात जूलॉजी की, सो जूलॉजी में सिलेबस कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू बॉटनी। बॉटनी में 3 हो गए हैं, जूलॉजी में 2 ही कंप्लीट हुए हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ। सो इसमें मैंने सोचा है कि अगस्त के अंदर इवोल्यूशन वाला चैप्टर और ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। सो ओवरऑल बायो में मुझे अगस्त के अंदर 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, माइक्रोब, इवोल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ। ये 3 चैप्टर मैं कंप्लीट करने वाला हूँ यूट्यूब से। अब बात आती है इंग्लिश की। सो देखो, इंग्लिश में तो यही है भाई कि जितना हो कंप्लीट में लगा हुआ हूँ। फिजिकल एजुकेशन में मैंने सोचा है 7 चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से या तो कंप्लीट सिलेबस डालेंगे हाफ ईयरली में फिजिकल एजुकेशन का, और इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस आने की चांसेस है। सो मैं इन पर लगा हुआ हूँ जितना जल्दी हो सके, बिकॉज इनका मैं रिटर्न में कुछ कर नहीं रहा हूँ। सो वो फॉर्मेलिटी नहीं है कि इनके नोट्स वगैरह बनाने या नहीं, बस मैं लेक्चर देख रहा हूँ और रीडिंग ले रहा हूँ बुक से। सो वो जल्दी ही चैप्टर निमट जाते हैं। सो इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन का तो यही है। ओके गाइस, सो अब बात करते हैं ऑल इन वन एग्जाम के बारे में। सो जिन लोगों को नहीं पता है, मेरा इस मंथ 26 ऑफ अगस्त को ऑल इन वन एग्जाम होने वाला है, जो कि 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों तरीके का होगा। इसमें सभी सब्जेक्ट आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज इंग्लिश। पर सब्जेक्ट 20 मार्क्स का होगा, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड अब की बात तो इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स भी आ रही है, लाइक नोटिस, पैसेज, एड, पोस्टर मेकिंग। एंड लगभग तो इसमें ना सिलेबस मेरा कंप्लीट हो ही रखा है, बस फिजिक्स का मेरा रहता है चैप्टर 5 और ऑर्गेनिक का रहता है चैप्टर 2, अदरवाइज सारा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो रखा है। बट इसके कुछ टाइम के बाद हाफ ईयरली भी शुरू हो जाएंगे, सो ऑफकोर्स सिलेबस करना पड़ेगा मुझे अपना कंप्लीट। इसके देख के मैं रुक नहीं सकता कि ऑल इन वन एग्जाम का तो सिलेबस पूरा हो ही रखा है, इन्हीं को रिवाइज कर लेता हूँ। सिलेबस तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों को डिटेल में सिलेबस जाना है तो जो लास्ट वीडियो है ना उसमें मैंने डिस्कस कर रखा है सारा का सारा सिलेबस, वीडियो को ज्यादा ना लंबी करके, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। अब बात करते हैं एक सीक्रेट एप्लीकेशन के बारे में। सो पता है 2 हफ्ते पहले या फिर 3 हफ्ते पहले है ना, मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैं इंग्लिश को इस ऐप से प्रिपेयर कर रहा हूँ। देखो भाई, उस ऐप का कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये उस ऐप ने मुझे कुछ भी पे नहीं करा, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड है, मैंने कोई प्रमोशन नहीं डाला है। और आप में से काफी सारे पूछ रहे थे कौन सा ऐप है, ऐप का नाम बताओ, एप्लीकेशन का नाम बताओ। तो मैं सोचा बता देता हूँ, बिकॉज उस टाइम तक मैंने ना इंग्लिश के लिए कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक नहीं करी थी, दैट्स व्हाई मैं फिजिकल एजुकेशन के और इंग्लिश के इसी ऐप से क्वेश्चन लगा रहा था। मैंने प्ले स्टोर पर लाइक सीबीएसई करके वैसे ही स्क्रॉल कर रहा था और ये ऐप अच्छा सा मिल गया, सो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। ऐप का नाम है माई सीबीएसई गाइड, आप प्ले स्टोर पर टाइप करोगे सो आपको मिल जाएगा, कोई लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह में नहीं मिलेगी, बिकॉज ये कोई प्रमोशन नहीं है, है ना। सो आप प्ले स्टोर पर सर्च करना, आपको मिल जाएगा माई सीबीएसई गाइड। सो मैं इसी से कर रहा हूँ, इसमें लाइक सही मिल जाते हैं, सारे तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं, टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, मुझे काफी सही लगा। सो मैं इसी से कर रहा था इंग्लिश भी एंड फिजिकल एजुकेशन भी, वैसे इस पर सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर चैनल पर नए हो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वी आर वेरी क्लोज टू 4K सब्सक्राइबर्स। एंड मेरी सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं स्टडी रिलेटेड स्टफ डालता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्क्रीन पर इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, अगर आप यूज करते हो सो वहाँ भी फॉलो कर लेना। इसमें मैंने अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, ऐप का नाम बताया है, ऑल्सो ऑल इन वन एग्जाम के लिए वगैरह वैसे सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है। अगर आप लोगों को और कुछ भी पूछना है तो कमेंट्स में बता देना, उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो आ जाएगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, अपना ध्यान रखो, मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर, अपना ध्यान रखो, राधे राधे।